गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के बड़े नेता चुनावी रैलियों में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा जोर शोर से उछालते हैं, लेकिन सरकारी आंकड़े कुछ और कहानी बयां करते हैं। संसद में पेश आंकड़ों के मुताबिक बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ और देश में इनकी धरपकड़ की संख्या में तेजी से कमी आई है। देश में सत्तारूढ़ बीजेपी चुनावों में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा खूब उछालती है। गृहमंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता देश में अवैध बांग्लादेशियों की संख्या करोड़ों में बताते हैं, लेकिन केंद्र सरकार के पास इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। उल्टा संसद में पेश आंकड़ों में पता चला है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की शिनाख्त कर उन्हें वापस उनके देश में भेजने की संख्या घटी है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2015 में 5930 बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस उनके देश भेजा गया और साल दर साल यह आंकड़ा घट रहा है। साल 2016 में 5147, 2017 में 4706, 2018 में 3390 और 2019 में सिर्फ 2175 बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस उनके देश भेजा गया है। यह आंकड़ा बताता है कि बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ में कमी आई है। 2015 में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर 3426 बांग्लादेशी भारत में अवैध तरीके से घुसते हुए गिरफ्तार हुए थे, लेकिन उसके बाद यह आंकड़ा घटने लगा। साल 2016 में 2075, 2017 में 1175, 2018 में 1118 और 2019 में यह आंकड़ा 1351 रह गया। इन आंकड़ों से पता चलता है कि बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ में तेजी से कमी आई है। इसकी एक वजह भारत पाकिस्तान सीमा पर बढ़ाई गई चौकसी है, तो दूसरी वजह बांग्लादेश की मजबूत होती अर्थव्यवस्था है। मानवाधिकार सूचकांक के कई इंडिकेटर्स बताते हैं कि बांग्लादेश भारत से बेहतर स्थिति में है। यहाँ पहले के मुकाबले जीवन स्तर काफी बेहतर हो गया है। इन तमाम आंकड़ों के बावजूद बीजेपी के मंत्री और बड़े नेता चुनावों में घुसपैठ का मुद्दा उछालकर वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने 23 दिसंबर 2018 को दिल्ली में कहा था कि देश में करोड़ों की संख्या में घुसपैठिए हैं और क्या इन्हें बाहर नहीं निकालना चाहिए। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने 12 सितंबर 2019 को कहा था कि अगर बंगाल में NRC लागू हुआ तो 2 करोड़ अवैध घुसपैठियों को देश छोड़कर जाना पड़ेगा। 2017 में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि ममता बनर्जी ने 1.5 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशियों को अवैध तरीके से बंगाल में बसाया है और बीजेपी इन सबको वापस भेजेगी। हालांकि बीजेपी नेताओं के ऐसे दावे आधिकारिक आंकड़ों से मेल नहीं खाते। राहुल गौतम की रिपोर्ट, गो न्यूज़।